Hello friends, welcome to Basic Electrical Engineering. In our last video, we discussed what is inverting configuration and what is non-inverting configuration. Today, we are discuss about adder or summer circuit. Adder or summer circuit का जो meaning होता है वो same होता है. ये या तो adder लिखा हुआ आ सकता है आपके question paper में या summer circuit लिखा हुआ आ सकता है. इनके meaning same ही होती है. जो adder होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका inverting adder, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग एडर. इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है, एक बार और मैं बता देता हूं. इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मींस अगर आपका जो इनपुट है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाए और विद रिस्पेक्ट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड कर दिया जाए तो वो होता है आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे दिया जाएगा और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड कर दिया जाएगा. तो इन्वर्टिंग एडर क्या होता है वो तो कॉन्फ़िगरेशन की बात तो हमने कर ली. एडर क्या होता है? एडर मींस सप्लाई इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल. इन्वर्टिंग टर्म सॉरी ये इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव. इन्वर्टिंग होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव. सप्लाई इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू इट द नेक्स्ट टर्मिनल इज ग्राउंडेड. तो इस वाले आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग में तो हमने सप्लाई दिया है और नॉन इन्वर्टिंग को इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड किया है. ये होता है आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. तो इन्वर्टिंग एडर मींस कि मोर देन वन सप्लाई अगर गिवन हो जाती है सर्किट को. देखिए 1, 2, 3 V1, V2, V3 सप्लाई ऑन द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड तो वो होता है इन्वर्टिंग एडर. अगर एक सप्लाई दी जा रही है तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और अगर मोर देन वन सप्लाई गिवन हो रही है तो इन्वर्टिंग एडर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही हमें वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन जो हमने अपने सेकंड वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल ओप एम्प में बताई थी. जो आपका V पॉजिटिव होता है वो होता है आपके V माइनस के इक्वल. ये होती है आपकी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन. तो जितनी भी हम वीडियोस बनाएंगे ओप एम्प से रिलेटेड, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे या जितने भी आपके सर्किट या फिगर सॉल्व होंगी वो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से ही होती है. मीन्स की अगर ये टर्मिनल, अगर ये जीरो है, ग्राउंड है, ये जीरो जीरो वोल्ट हो गई, ग्राउंड मीन्स जीरो वोल्ट, तो जो पॉजिटिव की वी नॉट होगी वही नेगेटिव की हो जाएगी. तो ये भी जीरो वोल्ट हो जाएगी. तो अब आप इसमें केसीएल लगाइए, इसको एक नोड वन लेट कंसीडर कर लीजिए. एट नोड वन, वन पे आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस है तो इसमें तीन करंट हम कंसीडर कर रहे हैं. ये आई वन, इसके अंदर आई टू और इसके अंदर आई थ्री. तो केसीएल अकॉर्डिंग टू केसीएल आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल्स टू, ये हमने कंसीडर कर लिया आई फोर इक्वल्स टू आई फोर. मीन्स की ऑल सम ऑफ द ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट. तो आई वन कितना होगा? ये होगा आपका वी वन माइनस जीरो अपॉन आर वन प्लस वी टू माइनस जीरो अपॉन आर टू प्लस वी थ्री माइनस जीरो अपॉन आर थ्री इज इक्वल्स टू जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ. आर एफ इज फीडबैक रेजिस्टेंस. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन RF. और जो V0 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस RF, ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा माइनस के साथ, और ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3. ये होता है इसके एडर के सर्किट का आउटपुट. ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर आपके तीन रेजिस्टेंस इनपुट हो रहे हैं, तीन वोल्टेजेस इनपुट हो रही हैं, तो आपके V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3 अगर मोर देन थ्री है, मींस कि अगर R4 भी आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे R4 आ गया एक, ये V4, तो ये तो इतना सेम रहेगा, बस इधर एड हो जाएगा आपका V4 अपॉन R4. और मतलब जितने भी आपको ऐड करने होंगे, जितने भी आपको एडिंग में गिवन होंगे उतने आप इसमें ये ऐड कर सकते हो. और अगर हम कंसीडर करते हैं इफ आर एफ इक्वल्स टू आर वन इक्वल्स टू आर थ्री इक्वल्स टू आर फोर, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं. ये होता है अगर आपके सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं अगर वो इक्वल हो जाए तो आपकी वैल्यू जाएगी वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री.
तो यही होता है आपका इसका आउटपुट, नॉन इन्वर्टिंग एडर का जो आउटपुट आता है वो आपका ये आता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, अब मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। तो जो मेन क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जो आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है, वो आता है सर्किट डिजाइनिंग का, मीन्स की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं आप इन्वर्टिंग एडर को। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, डिजाइन एन इन्वर्टिंग एडर हैविंग एक्सप्रेशन, आपको दे रखी होगी वी नॉट इक्वल्स टू माइनस एट वी वन माइनस फोर वी टू और टू वी थ्री। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्वेश्चन कंसिडर कर लिया है कि आपको वी नॉट जो दे रखी है, आउटपुट दे रखा है किसी एडर का, वो -8v1 -4v2 -2v3 दे रखा है। तो आपको डिजाइनिंग के लिए क्वेश्चन आएगा, आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जो आपको ये क्वेश्चन जो इक्वेशन गिवन है, आप इसको जो हमने सॉल्व करा है उससे कंपेयर करिए। तो v0 माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो मीन्स की ये जो इक्वेशन है ये इससे मिलकर बनी होगी, तो हम ये इस इक्वेशन को आर एफ अपॉन लिख लेते हैं, अपॉन v1 upon r1 plus v2 upon r2 plus v3 upon r3। इसमें हमें तीन रेजिस्टेंस गिवन है तो हम तीन लेंगे। अब हमें क्या करना होता है कि rf की वैल्यू इस तरह से लेनी होती है rf और r1 की, कि जो हमारा आउटपुट है वो ये आ जाए। तो मैं rf की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में 16 लू, rf equals to 16 और r1 equals to मैं लू 2, और अगर R2 मैं कंसीडर करूं 4, और अगर R3 कंसीडर करूं मैं क्या 8 16 हो जाएगा। तो फिर जो आप अगर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, RF की वैल्यू ये और ये ये ये, तो जो आपकी V0 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8v1 -4v2 -2v3। तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी हमें वही ड्राइव करनी होती है। बस मेन इक्वेशंस आपको ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको इससे सॉल्व करनी होंगे। इसमें आरएफ और आर1 आर2 आर3 की वैल्यू आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी होती है कि जो गिवन इक्वेशन है वही बन जाए। फिर आपको क्या करना है, जब आपकी ये प्रूव हो जाए तो आपको यही सर्किट बना के आना होता है। बस आरएफ की वैल्यू जो होगी आप 16 डिनोट कर देना, आर1 की 2, आर3 की ये और आर2 की 4। तो यही होता है आपका इन्वर्टिंग एडर। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एडर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।